और देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए एक और याचिका लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है ये याचिका। हिंदू सेना की ओर से इस याचिका को दाखिल किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई है आज। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई है। विष्णु गुप्ता की ओर से वकील वरुण कुमार सिन्हा उनका पक्ष रखेंगे। याचिका में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए LG को आदेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि संविधान में ऐसी कोई कल्पना नहीं है कि एक सीएम की गिरफ्तारी की स्थिति में न्यायिक या पुलिस हिरासत से सरकार चलाई जाए। और जेल से निकलते ही संजय सिंह ने BJP पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह तिहाड़ से 6 महीने बाद बाहर आने के तुरंत बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए BJP पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये जश्न का नहीं जंग का समय है। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। मैं बताना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बदर घुड़की का डरने वाले नहीं है। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येन जैन को तुमने जेल में भेज दिया, उनका गुनाह क्या है? और जेल से छूटकर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने अपने घर जाने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से मुलाकात। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब अपने घर पहुंचे तो उनका घर में भी जोरदार स्वागत किया गया। उनके घर पर परिजनों के साथ उनके करीबी और पुराने साथी मौजूद नजर आए। जेल से रिहा होने के बाद वो सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पार्टी को परिवार मानते हैं, इसलिए घर जाने से पहले वो सीएम केजरीवाल के परिजनों से मिले। इसके बाद सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत दी है, आप देखिए खबर। ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली बेल वाली ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें संजय सिंह को जेल से बाहर आने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको लेकर कई शर्तें लगाई गई हैं। संजय सिंह को जांच अधिकारी को मोबाइल नंबर देना होगा, जांच में एजेंसियों को सहयोग करना होगा, केस में अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं करेंगे, NCR छोड़ने पर जांच अधिकारी को बताना होगा, मोबाइल में लोकेशन शेयरिंग ऑन रखनी होगी, अपनी लोकेशन जांच अधिकारी को बतानी होगी। संजय सिंह को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया है। संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आने पर BJP सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये कोर्ट का काम है कि किसे बेल देना है और किसे नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में बेल मिलने पर BJP नेता मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें सशर्त बेल मिली है। जेल भेजना और बेल देना कोर्ट का काम है और हम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं। तो अब तो बेल मिल गई उनको, हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए।